आज के वक्त में लोग सिनेमा हॉल जाकर मूवी देखने से ज्यादा घर पर बैठकर वेब सीरीज देखना पसंद करते हैं। सीरीज की दुनिया में टीवीएफ ने कई झंडे गाड़े हैं। हाल ही में टीवीएफ की पंचायत सीजन 3 रिलीज हुई, जिसे दर्शकों ने खूब पसंद किया। वहीं बात करें इसकी एक और पॉपुलर वेब सीरीज गुल्लक की, तो उसका अगला सीजन यानी सीजन 4 अगले महीने रिलीज होगा। लेकिन पंचायत और गुल्लक के अलावा भी टीवीएफ ने कई हिट सीरीज दी हैं। तो चलिए आज के रील रिवाइंड में हम आपको बताते हैं उन वेब सीरीज के बारे में जो पंचायत से पहले रिलीज हुई। मगर उससे पहले अगर आपने नहीं किया है अभी तक रील रिवाइंड को सब्सक्राइब तो अभी कीजिए और साथ में लगा बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑल पर क्लिक कीजिए। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं रील रिवाइंड और मैं हूँ फरहा। मिनट रूममेट्स, क्या आप जानते हैं कि इंडिया की पहली वेब सीरीज कौन सी थी? ये बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हुई थी और लगभग सभी ने इसे देखा था, शायद आपने भी देखी होगी। हम बात कर रहे हैं परमानेंट रूममेट्स की, जिसे टीवीएफ वालों ने ही बनाया था। ये साल 2014 में आई। इसमें सुमित व्यास और निधि सिंह ने दमदार एक्टिंग कर शो में चार चांद लगा दिए थे। इस शो से इन्हें पहचान मिली और इस शो को 5 करोड़ से ज्यादा लोगों ने देखा था। पिक्चर्स, इसके बाद टीवीएफ की नई वेब सीरीज आई पिक्चर्स। इसमें आपको कॉर्पोरेट की दुनिया देखने को मिलेगी। 3 इंजीनियर्स जो अपनी नौकरी छोड़कर अपने सपनों को पूरा करने की जद्दोजहद में जुटे हुए हैं। इसमें नवीन कस्तूरिया, जितेंद्र कुमार, अरुणा बनर्जी, अभय महाजन, मानवी गुगरू, रिद्धि डोगरा जैसे स्टार्स हैं। ट्रिपलिंग, दो वेब सीरीज की सक्सेस के बाद टीवीएफ वालों ने ट्रिपलिंग वेब सीरीज बनाई। ये साल 2016 में आई और छा गई। इस शो में सुमित व्यास, मानवी गुगरू और अमोल पराशर की जोड़ी ने कमाल कर दिया। कहानी को सुमित व्यास और आकर्ष खुराना ने लिखा था। इसका तीसरा सीजन पिछले साल 21 अक्टूबर को रिलीज किया गया था। बैचलर्स, इस शो में 4 बैचलर लड़कों की कहानी दिखाई गई है जो एक साथ रहते हैं। कॉलेज खत्म होने के बाद उनका हकीकत से सामना होता है। 2016 में आए इस वेब शो में पॉपुलर यूट्यूबर भुवन बम है। ये शो इतना पॉपुलर हुआ कि इसके 4 एपिसोड और बनाए गए। फिर साल 2017 में भुवन बम को जितेंद्र कुमार ने रिप्लेस किया और नया सीजन आया। ये मेरी फैमिली, अगर आप 90 के दशक में वापस जाना चाहते हैं तो ये वेब सीरीज जरूर देखिए। शो में आपको कॉमिक्स, वीडियो गेम्स, छत पर पतंग उड़ाना, खेलना, स्कूल, ये सब देखकर पुरानी यादें ताज़ा हो जाएंगी। इसमें असुर वेब सीरीज वाले विशेष बंसल भी हैं। उनके अलावा मोना सिंह ने भी दमदार एक्टिंग की है। कोटा फैक्ट्री, साल 2019 में आई कोटा फैक्ट्री वेब सीरीज तो देश भर में हिट हुई थी। पहली बार किसी शो में ब्लैक एंड व्हाइट थीम देखने को मिली, यानी पूरा शो ब्लैक एंड व्हाइट में बना है, जिसमें जितेंद्र कुमार ने दमदार एक्टिंग की और जीतू भैया बनकर सबका दिल जीत लिया। शो में कई चीजों को दिखाया गया है। एक स्टूडेंट के ऊपर पढ़ाई का कितना बोझ होता है, रेस में उसे दौड़ना पड़ता है, बहुत सारा कॉम्पिटिशन, अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेने की होड़, अंदर से खोखलापन, अकेलापन, लेकिन हौसले बुलंद। गुल्लक, 2019 में ही टीवीएफ ने एक और बम फोड़ा, क्या यूं कहें कि गुल्लक फोड़ी। नई वेब सीरीज लेकर आए गुल्लक, एक मिडिल क्लास फैमिली उसकी परेशानियां और जज्बात को स्क्रीन पर उड़ेल कर रख दिया। हर किरदार से दर्शक ने कनेक्ट किया, डायलॉग से लेकर एक्टिंग तक सब कुछ बेहतरीन और लाजवाब। क्यूबिकल्स, जब स्कूल और कॉलेज खत्म हो जाता है तो एक नई जिंदगी शुरू होती है, जॉब की जिंदगी। कहानी है आईटी सेक्टर की। सिर्फ एक क्यूबिकल में ही जिंदगी नहीं कटती, बल्कि ऑफिस के कल्चर में क्या क्या होता है और क्या क्या झेलना पड़ता है, इसे मजेदार अंदाज में दिखाया है टीवीएफ ने सीरीज क्यूबिकल्स में। हॉस्टल डेज, कॉलेज के हॉस्टल्स वैसे नहीं होते जैसे फिल्मी दुनिया में दिखाए जाते हैं। इस शो में गेट पर बैठे चपरासी से लेकर प्रोफेसर तक की कहानी को मजेदार तरीके से दिखाया गया है। हाँ, बस इसे आप फैमिली के साथ मत देखिएगा। एस्पिरेंट्स, एस्पिरेंट्स टीवीएफ की पॉपुलर वेब सीरीज में से एक है। इसके अब तक 2 सीजन्स आ चुके हैं। सीरीज में यूपीएससी एस्पिरेंट्स की परेशानियों और संघर्ष को दिखाया गया है। शो में 5 किरदार ऐसे हैं जिनकी सबसे ज्यादा चर्चा हुई, अभिलाष शर्मा, गुरी, एसके, धैर्या और संदीप भैया। वैसे संदीप भैया का नाम आया है तो आपको बता देते हैं कि संदीप भैया की भी अपनी एक वेब सीरीज है, आप चाहें तो आप उसे भी देख सकते हैं।
वैसे आज टीवीएफ की जितनी भी वेब सीरीज के बारे में मैंने आपको बताया, ये सभी के सभी आप यूट्यूब पर फ्री में देख सकते हैं। तो फिर देर किस बात की, अभी देखना शुरू कर दीजिए। और हाँ, अगर आपने देख ली है तो हमें बताना मत भूलिएगा कि आपकी इसमें से फेवरेट वेब सीरीज कौन सी है। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।